गाइस, फिर से वेलकम बैक टू आवर चैनल सोशल मीडिया या टीचर। सो गाइस, मैं आपको आज बताऊंगा कि आखिर आप स्नैपचैट में माई आईज ओनली वाले फीचर का पासवर्ड को कैसे रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि आखिर आप माई आईज ओनली का पिक्चर्स को कैसे रिकवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। सो गाइस, प्लीज वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। सो गाइस, अगर आप भी स्नैपचैट में माई आईज ओनली वाले फीचर का पासवर्ड भूल गए तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन मिलता है बेसिकली तौर पर ऑप्शन का, तो आप इस पर क्लिक कर लें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है चेंज पासवर्ड और सेकंड का ऑप्शन मिलता है फॉरगेट पासवर्ड। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपना पासवर्ड यानी कि माई आईज ओनली में आपने जो भी पासवर्ड दिया था उसको आप वापस से टाइप करके चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गाइस, इसमें प्रॉब्लम ये कि आप चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन को तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपका पुराना पासवर्ड मतलब याद होगा। तो गाइस, फर्स्ट वाले ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन गाइस, हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है फॉरगेट पासवर्ड का। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका भी पासवर्ड भूल गए यानी कि आप भी माई आईज ओनली का पासवर्ड भूल गए, तो गाइस आप फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन में बिल्कुल भी क्लिक मत करें। क्योंकि गाइस, आप फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करते हैं, आपका जो मतलब कि माई आईज ओनली का जो पासवर्ड होगा वो रिकवर तो हो जाएगा, लेकिन आपका जो भी यहाँ पर मेमोरीज होगी यानी कि आपका जो भी पिक्चर्स और फोटोज़ होंगे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे, वो रिकवर बिल्कुल भी नहीं होगा फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने पर। क्योंकि गाइस, स्नैपचैट का स्टार्टिंग में ही कहना था कि अगर आपका फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपका जो मतलब फोटोज़ होगा वो रिकवर नहीं हो पाएगा। तो गाइस, अगर आपने अब तक क्लिक नहीं किया फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन को तो आप बिल्कुल भी क्लिक मत करें। लेकिन गाइस, अगर आपने क्लिक कर भी दिए और आप फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन का यूज़ कर लिए लेकिन गाइस आपका फोटो जो था सारा का सारा डिलीट हो चुका है, तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप सही तरीके से फॉरगेट पासवर्ड को यानी कि फॉरगेट पासवर्ड को रिकवर कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप अपना फोटोज़ के साथ साथ अपने पासवर्ड को कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ऐप में चले जाना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना, मैं इस टाइम आपको बताता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप सर्च कर लें यहाँ पर स्नैपचैट सपोर्ट .com। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आप सर्च कर लें। सो फ्रेंड्स, आप जैसे ही सर्च करते हैं उसके बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पर आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि आपको कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद गाइस आपको थोड़ा वेट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखा है माई अकाउंट इन्फो माई स्नैपचैट इज़ नॉट वर्किंग। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपको सेकंड वाले ऑप्शन जो आपको दिख रहा है माई स्नैपचैट इज़ नॉट वर्किंग, तो आपको ये वाला ऑप्शन पे टिक कर देना है, जैसे मैंने टिक किया है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपका अगला ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको किस पर क्लिक करना है, जैसे मैं बताता हूँ आपको। सो गाइस, इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मेमोरीज़ का। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपको मेमोरीज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जैसे मैं क्लिक किया हूँ। उसके बाद गाइस, आपको थोड़ा नीचे चले आना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं लिखा है पासकोड। तो गाइस, आपको पासकोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, जैसे मैंने क्लिक किया। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पर यू कैन ओनली असेस योर स्नैप्स एंड स्टोरीज इन माई आईज ओनली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लिखा है नीड हेल्प विद समथिंग एल्स। तो गाइस, आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, आप जैसे यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है यूजर नेम। तो गाइस, आपका स्नैपचैट में जो भी यूज़र नेम है उसको आप यहाँ पर टाइप कर दें। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेकंड का ईमेल में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर वही ईमेल एड्रेस दें जो कि आपने स्नैपचैट पे दिया है। इसके बाद गाइस, यहाँ पर आ गया फ़ोन नंबर। तो फ्रेंड्स, यही मैं बता दूँ कि आप फ़ोन नंबर भी वही दें जो भी आपने स्नैपचैट पर दिया है। और गाइस, अगर आप इंडिया के यूज़र हैं यानी कि आपने इंडिया में है तो आप अपने फ़ोन नंबर के आगे 91 ज़रूर लगा दें। सो गाइस, यहाँ पर आपको फोर्थ में ऑप्शन मिलता है डिवाइस का। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि डिवाइस का मतलब ये है कि आप जिस भी फ़ोन में स्नैपचैट को यूज़ करते हैं आप उस डिवाइस का यानी कि उस फ़ोन का मॉडल नंबर यहाँ पर टाइप कर दें। इसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है व्हेन डिड यू स्टार्ट हैविंग दिस इशू, यानी कि आप अपने स्नैपचैट में माई आईज ओनली का पासवर्ड कब भूल गए, आप उसका डेट यहाँ पर टाइप कर दें। इसके बाद गाइस, यहाँ पर लिखा है अटैच चूज फाइल। तो गाइस, इसका मतलब ये है कि इसके लिए आपको सबसे पहले स्नैपचैट में चले आना है। और गाइस, आप जैसे स्नैपचैट में आते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर चले आना है यहाँ पर अपना माई आईज ओनली में। उसके बाद गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
सो गाइस स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप वापस से बैक हो जाएं और उसी पेज में वापस आ जाएं। इसके बाद गाइस यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है चूज फाइल, तो गाइस आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है ब्राउज का, तो आप ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इसके बाद गाइस मैं यहां पर चला जाता हूं स्क्रीनशॉट पे और ये वाला स्क्रीनशॉट को यहां पर ले लेता हूं। तो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं हमारे यहां पर स्क्रीनशॉट जो था वो यहां पर आ चुका है। तो गाइस यहां पर आपको दिख सकते हैं ऑप्शन है व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड वी नो। तो गाइस आपके जिस भी जो भी प्रॉब्लम है आपको स्नैपचैट से रिलेटेड यानी कि माई आईज ओनली से जो भी आपको प्रॉब्लम है कि आप पासवर्ड कैसे भूल गए अपनी सारी प्रॉब्लम्स को यहां पर आप टाइप कर दें। उसके बाद गाइस यहां पर आपको ऑप्शन मिल रहा है प्रोटेक्टेड बाई रिकैप्चर। तो गाइस सबसे पहले मैं ये सारे ऑप्शंस को फिल कर देता हूं। सो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर सारे ऑप्शंस को फिल कर दिया है। तो गाइस यहां फर्स्ट में आप देख सकते हैं यूजर नेम, तो फ्रेंड्स मेरा जो भी यूजर नेम था स्नैपचैट का वो मैंने यहां पर टाइप कर दिया। उसके बाद गाइस आपको सेकंड में ईमेल, तो गाइस आपको भी इसी तरह ईमेल एड्रेस दे देना है। और गाइस जो आपको दिख रहा है ऑप्शन थर्ड में मोबाइल नंबर, तो गाइस आपको भी अपना स्नैपचैट में मोबाइल नंबर इसी तरह का देना है जैसे कि मैंने दिया है प्लस लगा के। और गाइस आपको कंट्री कोड जरूर लगाना है, और गाइस अगर आप इंडिया में रहते तो आप 91 इसी तरह लगाएं अपने फ़ोन नंबर के आगे। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर फोर्थ में ऑप्शन मिलता है डिवाइस का, तो गाइस आपका फ़ोन का जो भी मॉडल होगा वो आप यहाँ पर टाइप कर दें। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको लिखा है व्हेन डिड यू स्टार्ट हैविंग दिस इशू, यानी कि आपका जो ये इशू था ये कब से स्टार्ट हुआ है। तो मैंने यहाँ पर डेट लिख दिया यहाँ पर एक, यहाँ पर पहला महीना 17 तारीख और 2021। तो फ्रेंड्स आप इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका फर्स्ट में स्टार्टिंग होगा वो आपका मंथ होगा और सेकंड वाला ऑप्शन में आपका डेट होगा और थर्ड वाले में आपका ईयर होगा। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको मिल रहा है ऑप्शन अटैच, यानी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पर अटैच कर दें। तो गाइस आपको ऐसे पता ही था कि हमने पहले यहाँ पर स्क्रीनशॉट अटैच कर लिया था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। इसके बाद गाइस आप यहाँ पर देखते हैं मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है मैंने डियर स्नैपचैट टीम आई फॉरगेट माई स्नैप चैट माई आईज ऑनली पासवर्ड आई हैव मैनी इंपॉर्टेंट पिक्चर्स इन दिस आई हैव ऑल प्रूफ दैट दिस अकाउंट बिलोंग्स टू मी सो प्लीज हेल्प मी टू रिकवर स्नैप कोड ऑफ माई आईज ओनली। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि आपको भी इसी तरह टाइप कर लेना है अपने स्नैपचैट, जब भी आप ये पेज को ओपन करके स्नैपचैट टीम से बात करेंगे यानी स्नैपचैट टीम को एक रिपोर्ट करेंगे तो आप भी इसी तरह का टाइप कर ले। उसके बाद फ्रेंड्स आपके यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सेंड का, तो गाइस आपको सेंड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो गाइस आप जैसे सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक रिकैप्चा आएगा, यानी कि आपसे वो चेक करेगा कि आप सचमुच एक ह्यूमन है या फिर रोबोट है। तो आपको इस रिकैप्चा को फिल कर लेना है जो भी आपको ऊपर दिया हो, जैसे यहाँ लिखा है सेलेक्ट ऑल इमेजेस विथ पार्किंग मीटर्स, तो जहाँ भी पार्किंग मीटर्स है उनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये रहा पार्किंग मीटर, ये रहा और ये रहा। उसके बाद मैं वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस इसके बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं लिखा है योर मैसेज हैज बीन सेंट थैंक यू। गाइस इसका मतलब ये कि स्नैपचैट टीम के पास मेरा मैंने अब जो भी कंप्लेन किया है वो जा चुका है और स्नैपचैट टीम मुझसे बात करेगी, यानी कि गाइस स्नैपचैट टीम जैसे ही आपका रिपोर्ट को पढ़ लेगी उसके बाद आपने यहाँ पर जो भी ईमेल एड्रेस दिया था उस पर स्नैपचैट टीम आपको रिप्लाई करेगी और आपको आपसे कुछ प्रूफ्स मांगेगी, यानी कि आपके अकाउंट का जो भी पासवर्ड होगा यानी कि स्नैपचैट का आपका पासवर्ड वो आपसे मांगेगी। उसके बाद गाइस आपका जो स्नैपचैट में माई आईज ओनली का जो भी प्रॉब्लम होगा यानी कि माई आईज ओनली का पासवर्ड रिकवर हो जाएगा और गाइस आपका जितनी पिक्चर्स और फोटोज यानी कि सारी की सारी मेमोरीज वो भी रिकवर हो जाएगी स्नैपचैट में माई आईज ओनली से। सो गाइस मैंने आपको जो भी मेन स्टेप्स बताए आप उनका जरूर यूज़ करें स्नैपचैट के पासवर्ड रिकवरी में। सो गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा गाइस आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइस हैव अ गुड डे।